जिला बिलासपुर के घुमारवीं ब्लॉक कांग्रेस का किसानों के समर्थन में 24 घंटे के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। ये धरना प्रदर्शन अखिल कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव पूर्व विधायक राजेश धर्माणी के नेतृत्व में शुरू किया गया है। इस धरना प्रदर्शन की शुरुआत महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित करने के साथ नगर परिषद के प्रांगण में की गई है। कांग्रेस के इस धरना प्रदर्शन में केंद्र सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई तथा किसानों के लिए जो बिल कानून केंद्र सरकार ने बनाया है उसका पुनर्जोर विरोध किया गया है। कांग्रेस ने कहा कि अन्नदाता का अपमान कतई भी सहन नहीं किया जाएगा। केंद्र की तानाशाही सरकार इस काले व तानाशाही बिल कानून को निरस्त किया जाए, किसानों को दिल्ली जाने के लिए रोका जा रहा है तथा उन पर तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं। पूरे देश के किसान केंद्र व मोदी सरकार का इस बिल व कानून का विरोध कर रहे हैं तथा किसानों की मांगों को अनसुना कर रहे हैं। पूर्व सीपीएस राजेश धर्माणी ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के लिए जो काला कानून बनाया गया है वह किसान विरोधी है। अगर केंद्र सरकार ने बिल व कानून सही बनाया गया होता तो किसानों का ये हाल नहीं होता और उन्हें सड़कों पर उतरना नहीं पड़ता। कांग्रेस सरकार के समय में किसानों को जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई थी उन्हें आज छीना जा रहा है और उनके ऊपर तरह तरह के अत्याचार भी किए जा रहे हैं। सरकार हम उनका बात करते हैं, जो सुबह है चाहे उसके कारों को कम करने बारे पोस्ट उनकी करने और उनको रेट मिल सके इन बातों को लेकर आप हिंदुस्तान के किसान जो है उनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी और अन्य संगठन किसान हित है हिंदुस्तान चाहते हैं सभी हैं समर्थन में भारतीय जनता पार्टी को उनके डंडे आ रहा है। वो डंडे पर जो है उनके ऊपर जो है वो किसान आंदोलन कर रही है।